किसान मजदूर संघर्ष समिति की हड़ताल बीते दिन भी जारी रही और रेलवे ट्रैक के किसान जाम लगा के बैठे ने। हालांकि किसान के अनुसार आने वाले दिन भाजपा नेतावां ते कांग्रेसी नेतावां के खिलाफ मुश्किल होएगा। वो उन्होंने उन्होंने घरों तो बाहर नहीं निकल देंगे। उन्होंने भी पता चलेगा कि किसानों की ताकत की है। उन्होंने कहा कि किसानों नाल धोखा किया जा रहा है। किसान आगू ने कहा कि ये धरने उन्होंने लगातार जारी रहेंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार एक काला कानून वापस नहीं लेंदी। मोदी सरकार ने वड्डे कारपोरेट घराणे नूं खुश करने किसान जिस देश का अन्नदाता कहा जाता है उसनों खत्म करने की कोशिश की है। हुण इन्हां दे दिन माड़े आने शुरू हो जाएंगे अते आम जनता दे चंगे। जिहड़ी जनता इन्हां वख-वख धड़ियां विच वंडी सी हुण उह इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। सारे एक मंच ते इकट्ठे हो रहे हैं। किसानां मजदूरां दा एका हुण वध रहा है। जिथे पंजाब च सारे धर्म ते वर्ग के लोग इकट्ठे हो रहे हैं उत्थे विदेशां दे विच भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। किसान आगू ने मीडिया के नाल गलबात करदे कहा कि कल लंडन दे विच भी पंजाबी लोगों वालों इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई गई सी अते उन्हां वालों भी रोस प्रदर्शन किया गया सी। एक बहुत वधिया संदेश है भारत की मोदी सरकार की नक् भनी है। लोग हुण सरकारां दी नीतियां तों जाणू हो रहे हैं किस तरह पिछले कई दशकों तो सरकार सानू बेवकूफ बनाउंदी आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी कल चंडीगढ़ आ के गलत बयान दे रहे हैं। दो दिन पहला अमृतसर में अजनाला हल्के तरन चुग जिहड़े भाजपा के आगू हैं उन्होंने किसान जथेबंदियों वालों उत्थों भजाया गया सी। तरन चुग रजेंद्र मोहन सिंह खीना के पट्ठे दे आए सन अते उत्थों उन्होंने चोर रस्ते राही भजना पिया सी। किसान मजदूर संघर्ष की कमेटी पंजाब जिला अमृतसर का प्रधान लखविंदर सिंह वरियामलिंग। हाँ जी, धरना तो लगातार चलूगा जी। जिन्ना चिरे काले कानून वापस नहीं होंगे ये जिहड़ी आ मोदी सरकार भाजपा की सरकार अंबानिया डानिया ये कारपोरेट घराणिया की जुंडली जिहड़ी एकदम आकड़ी पई आ एकदम प्राउड दे विच आई आ घमंड दे विच आई आ जिन्ना चिर अपना किता लिया फैसला वापस नहीं लेंदी उन्ना चिर लगातार जिहड़ा वा संघर्ष चलना वा ते ये शायद इन्हां दे दिन माड़े आ ते जनता दे दिन चंगे आने वाले लगते ने कि जनता सारी इन्हां ने इकट्ठी कर दिती आ जिहड़ी जनता इन्हां पार्टियां दे विच वंडी ही निक्कियां निक्कियां धड़ियां दे विच वंडी सी उह सारा इस समें दे विच सारे इक मंच ते इकट्ठे होंदे ने। किसानां मजदूरां दा एका बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़ा वा वध रिहा वा ते इहदे नाल जिहड़ा वा जिथे पंजाब दे विच सारे वर्ग इकट्ठे होंदे ने सारे धर्म इकट्ठे हो रहे सारे वर्ण इकट्ठे हो रहे ने उत्थे विदेशों दे विच भी अज जिहड़ी आ इहदी जिहड़ी आवाज़ सुनाई दित्ती आ कि कल लंडन दे विच भी वड्डा जिहड़ा वा पंजाब वासियां ने हिंदुस्तान वासियां ने उत्थे जिहड़ा इहदा भी बिल्लां दे इहनां कानूनां दे बरखिलाफ़ उत्थे आवाज़ उठाई उन्हां ने भी रोस प्रदर्शन किया वा। सो ये चंगा संकेत जान दिया वा कि जिहड़ा वा इन्हां ने इन्हां दी आकड़दा करके ही इन्हां दा प्राउडदा करके ही लोग जिहड़े ने कम से कम अपने जिहड़ा वा समझण दी कोशिश कीती आ भी साडा असली मकसद की सी सानू क्यों इन्हां ने अज तक बेवकूफ बना छड्या 74 साल तक अज उन्हां नू समझण दे विच जिहड़ी आ सिखियाई महसूस हो रही आ। सो जो कुछ होण दिया लगभग जिहड़ा वा इहदे वास्ते चंगा होण दिया हुण सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही पार्टी जिहड़ी आ भाजपा वाला उह इक रट ते रटी आ उह भी उन्हां दा रटिया रटाया जिहड़ा बयान आ उहदे ते बैठी आ चाहे उह हरदीप पुरी जी चंडीगढ़ आए आ उन्होंने बयान दिते ने चाहे तरन चुग जी ने पूछ ला के दिल्ली तो घुलाया वा वो परसों चौथ तो बड़े टेढ़े मेढ़े बयान दें दे ने ते परसों उन्हों का घराओ भी लदे पिंड दे विच जिला अमृतसर का जिहड़ा पछमी एरिया पैंदा वा उत्थे रजिंदर मोहन सिन्हा जी दे जिहड़े पट्ठे ते आ के उन्होंने लोग इकट्ठे करके अपने पक्ष वाले जिहड़े लोग इकट्ठे करके ते उन्हां कोलों किते कहाउणा सी भी तुसीं कहो भी ये जिहड़े बिल ने बहुत लोगों के जिहड़े कानून जिहड़े काले ने ये लोगों के किते पक्ष वाले ने ते उत्थे ज्यों ही अपना जथेबंदी नूं पता लगा वा उन्हां दा जा के घराओ कीता वा उत्थे जिहड़े थोड़े ही सिंघ जथेबंदी वाले पहुँचे सी ते हथ पला जोड़ के उत्थों उन्हां ने जिहड़ा ये चोर रस्ते राही भजे आ जिहड़ा किसानां नूं नहीं पता कि पट्ठे दे पिछले महीने दी कोई रस्ता उस रस्ते राही उह भजण दे विच कामयाब होई आ ते उहदे चों उदण दा इह पता लगा भी उन्हां दे कई थाई प्रोग्राम सन जिथे उन्होंने उन्होंने रजिंदर मोहन सिन्हा जी के फार्म से प्रोग्राम से उदे तो बाद जिहड़ा वा राम तीर्थ एरिया दे विच भी उन्होंने जिहड़े सी प्रोग्राम हैगे सी परंतु सवेर जदों उन्हां दा घराओ उत्थे हो गया उदे तो बाद किसानां ने उन्हां दा पिछा करना शुरू कर दिता फिर वह पता नहीं किहड़ी खुड विच वड़ गए तो दोबारा उदण दा कोई जिहड़ा वा परसों तो बाद फिर कोई भी उन्होंने प्रोग्राम विच नहीं पहुँचे तो अपने जिहड़े किसान मजदूर तो दूसरे जिन्नियां भी
ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਮਰਾਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿਖਣ ਡਈ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਾਓ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਉਦਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਾਓ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਾਂਡੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਹੋਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ।